ये मैं हाथ लगा नहीं है, मैं हाथ लगा इसमें पानी है। क्वेश्चन सेट क्या खेलोगे? ये अनस्पेसिफाइड का मर्जी वाला हो गया था। यस मैम, ये वाला कर लिया। और ये वाला मेथड पार्टीशन P1 P2 पार्टीशनिंग टेक्निक ये नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं किया था। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है ना पार्टीशनिंग टेक्निक का? यस मैम। देखो अभी तक हमने जो मिनिमाइजेशन की टेक्निक्स की हैं, कौन कौन सी की हैं? सबसे पहले तो हमने जिसमें रोज डिलीट की थी नॉर्मल मेथड, फिर हमने इम्प्लीकेशन टेबल किया था, फिर मर्जर ग्राफ किया था, राइट? तो अब आपका जो लास्ट टेक्निक है मिनिमाइजेशन की, स्टेट डिडक्शन की, दैट इज पार्टीशन टेक्निक, राइट? तो इस पार्टीशन टेक्निक पे हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे P1, P2, है ना? तो हम इनकी पार्टीशनिंग करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो हमें यहाँ पर जो है स्टेट टेबल जो है वो गिवन है, दिख रही है आप लोगों को स्टेट टेबल? इसमें ये x क्या है बताओ, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये क्या है बताओ? यस मामी, इनपुट्स है ना कि अगर हम 0 से, और ये क्या है हम, ये स्टेट्स है कि ये प्रेजेंट स्टेट है, और ये कौन सी स्टेट है जो आउटपुट आके नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट, ये साथ में इसके आउटपुट है, ठीक है? मींस हमें इस स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट और आउटपुट सब कुछ गिवन है। हमें इसको देख के अब स्टेट्स को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, राइट? तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो P1 ग्रुप लिखो। P1 ग्रुप में जितनी भी स्टेट्स आपको गिवन है आप सारी स्टेट्स लिख लो। जितनी भी स्टेट्स है ना, ए बी सी डी ई एफ, सारी स्टेट्स मैंने लिख ली यहाँ पे। दिस इज योर P1 ग्रुप। यहाँ तक क्लियर है आपको क्या किया है P1 ग्रुप में? यस मैम। अब P2 कैसे बनाना है हमें? देखो हमने ए बी सी डी सारी स्टेट्स लिख ली, अब इन स्टेट्स को ना आपस में कंपेयर करो। ऑन कंपैरिजन जिस जिस स्टेट की आउटपुट सेम है ना, उस स्टेट को तो रखो एक ग्रुप में, और जिनकी आउटपुट डिफरेंट है उसको रखो नेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया ए और बी को, तो यहाँ पे 0 आउटपुट है, यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है। फिर मैंने ए को सी से कंपेयर किया तो दोनों की आउटपुट सेम है। फिर मैंने ए को ई से कंपेयर किया, दोनों की आउटपुट सेम है। मींस जब आप कंपेरिजन करोगे तो यू विल सी कि ए सी ई वाली जो आपकी स्टेट्स हैं उनकी तो आउटपुट सेम है, और जो बी डी एफ वाली जो स्टेट हैं उनकी आउटपुट सेम है, बट इन दोनों ग्रुप की आपस में जो आउटपुट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हमने ए सी ई को एक ब्रैकेट में रखा और बी डी एफ को हमने एक ब्रैकेट में रखा, राइट? समझ में आ गया आपको ये P2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब हम देखते हैं कि P3 कैसे बनेगा। देखो P2 के अंदर दो एरोस बनाओ, एक बनाओ x is equals to 0 इनपुट पे और एक बनाओ x is equals to 1 इनपुट पे, दिख रहा है आपको? तो हमने क्या किया, सबसे पहले x is equals to 0 means आपको ये वाला कॉलम देखना है,
इस वाले कॉलम में एसीई की नेक्स्ट आउट नेक्स्ट स्टेट क्या है वो हमें नोट करनी है. ए क्या है ये रहा. अब तो बताओ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ए की नेक्स्ट स्टेट क्या है. आप बताओ मुझे देख के बताओ. हम नेक्स्ट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल ही ना मतलब ई और डी आ रही है. ए की मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ए इज अ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट इज जीरो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट. ई आएगी. ई तो देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ए की नेक्स्ट स्टेट को हमने यहाँ लिख लिया. अब ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सी की नेक्स्ट स्टेट क्या है. ई. तो वो हमने इसके नीचे लिख ली एरो बना के. ई की नेक्स्ट स्टेट क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. सी. सी तो हमने ये ई सी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो नेक्स्ट स्टेट थी ना ई सी की वो हमने यहाँ पे लिख ली. ये क्लियर है आपको. क्लियर है. ओके नाउ बी डी एफ. बी की नेक्स्ट स्टेट क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. एफ. तो वो एफ हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. डी की नेक्स्ट स्टेट क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. एफ. तो वो हमने यहाँ लिख लिया. और एफ की नेक्स्ट स्टेट क्या है डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे. अब सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है एक्स इज इक्वल टू वन पे. ए की नेक्स्ट स्टेट क्या है एक्स इज इक्वल टू वन पे. डी. डी तो हमने ए के नीचे क्या लिख लिया डी. सी की नेक्स्ट स्टेट क्या है एक्स इज इक्वल टू वन पे बी. बी हमने यहाँ पे बी लिख लिया. ऐसे ही ए सी ई और बी डी एफ की नेक्स्ट स्टेट एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पे हमने उनके साथ लिख ली. तो ये पी टू आपको क्लियर है. ये पी टू आपको क्लियर है. यस यस ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है. हमने जो नेक्स्ट स्टेट लिखी है वो हमें ये देखना है कि वो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही आ रही है कि दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं. जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आई ईईसी तो ईईसी तो एक ही ब्रैकेट के अंदर है ना एक ही ब्रैकेट में है ना. तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे. फिर हम बी डी एफ के नीचे देखेंगे क्या लिखा है. एफ एफ बी लिखा है ना. यस मैम. तो हम एफ एफ बी को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि एफ एफ बी तो इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना इसी ब्रैकेट से. अब देखो डी बी और एफ. अब मुझे ये बताओ डी बी एफ एक ही ग्रुप में है ना इसी में. यस मैम. ठीक है. अब नेक्स्ट जो आया है डी बी इसका ये आया है डी बी और सी. अब आप मुझे बताओ मैं इसको थोड़ा एक बार रिमूव कर दूं. अब आप मुझे ये बताओ जो ये डी बी और सी है ये डी बी और सी क्या एक ही ब्रैकेट से बिलोंग कर रहे हैं कि अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं इन दोनों में. अलग अलग. डी बी तो यहाँ पर है और सी कहाँ पर है इस वाली ब्रैकेट में. तो हम क्या करेंगे जो सी के ऊपर वाला ग्रुप है ना उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे एफ को और बी डी को अलग कर देंगे. ये पॉइंट समझ में आया. बी डी को और एफ को अलग अलग क्यों लिखा है मैंने. यानी कि अब ये बी डी एक ग्रुप में बन जाएंगे और एफ अलग ग्रुप हो जाएगा क्योंकि इसकी इनकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग कर रही है. ये पॉइंट समझ में आया आपको. हमने बी डी और एफ को अलग अलग क्यों कर दिया. ये पॉइंट समझ आया. यस मैम. देखो अब हमारे पास पी वन आ गया पी टू आ गया और पी टू में जब हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन पे जब अपनी चेकिंग की तो विल गेट अ न्यू ग्रुप दैट इज पी थ्री जिसमें आपका बी डी और एफ अलग अलग हो गया. ठीक है डन. अब देखो जो पी टू वाला स्टेप था ना वो हम फर्दर दोबारा फॉलो करेंगे पी थ्री में. एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन पे हम ए सी ई बी डी और एफ अलग अलग हो चुके हैं इनकी अब नेक्स्ट स्टेट लिख लेंगे. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने ए सी ई की नेक्स्ट स्टेट लिख ली बी डी की नेक्स्ट स्टेट लिख ली और एफ की नेक्स्ट स्टेट लिख ली.
ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 पे हमने ए सी ई की नेक्स्ट स्टेट लिख ली और बी डी की नेक्स्ट स्टेट लिख ली, राइट right? ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके, तो P3 के अंदर जब हमने नेक्स्ट स्टेट नोट की तो हमने वही कंपैरिजन किया कि एक सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ईईसी, ईईसी तो एक ही ग्रुप में है, एफएफ ये भी एक ग्रुप में है और बी भी एक ही ग्रुप में होगा, सिंगल है ना, क्योंकि ये तो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आई है डीबीएफ। अब मुझे ये बताओ डीबीएफ क्या एक ही स्टेट में है? डीबीएफ तो अलग अलग है ना, ब्रैकेट है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, डीबीएफ क्योंकि अलग अलग ग्रुप में है तो जो हमारे पास एसीई का ग्रुप था इसमें एसी को अलग कर दिया और ई को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो बनेगा एसी अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, बीडी का एक ग्रुप बनेगा और एफ का एक ग्रुप बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो जो न्यू ग्रुप हमारे पास बनेगा P4 का, दैट इज एसी, ई, बीडी और एफ। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? P4 कैसे बना, क्लियर है? यस मैम, एक बार दोबारा बता दें। क्या क्लियर, क्या समझ नहीं आया ये पूछो। P4 एक बार बता दें दोबारा, उसका ग्रुप कैसे। P4 में जब हमने P3 में x is equal to 0 और 1 पे नेक्स्ट स्टेट चेक की थी तो आपका AC और E अलग अलग हो रहा था, तो इसीलिए हमने इनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया। इनकी नेक्स्ट स्टेट अलग अलग ब्रैकेट से बिलोंग कर रही थी, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रही थी। अभी क्लियर है? ओके मैम। ये P3 में F में x is equal to 1 पे लिखा नहीं कुछ, कहाँ पर मैम? P3 में जो x is equal to 1 है ना उसमें F का ही लिखा, next state का E का next state लिखा, F का next state भी लिखा तो हुआ है मैम। x is equal to 1 पे, x is equal to 1 पे ये E है, E की next state F लिखी हुई है। अच्छा, ओके मैं ये हटा देती हूँ ना, आपको इससे confusion हो रहा होगा। अब देखो, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. E का F. Yes, ma'am. E की next state F है और DB और F जो है वो अलग अलग ग्रुप में है, DB यहाँ पर और F इधर है, इसीलिए हमने इनकी जो present state थी AC इनको अलग अलग कर दिया। अभी क्लियर है? ये ठीक है, बट ये हाँ ये F तो मतलब expression में है ना, तो expression में तो F के corresponding C आना चाहिए ना। Yes, ma'am, वही। दोबारा पूछो पम्नित अपना क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो? मैम जो x इक्वल टू 1 है उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा ACE एक ब्रैकेट में फिर BD और फिर F, तो F के कोरेस्पोंडिंग जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो C आनी चाहिए ना। ठीक है, वो ये नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि देखो F क्या है, सिंगल है ना, सिंगल स्टेट है ना। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको भी मत लिखो। F क्या है, सिंगल स्टेट है, तो सिंगल स्टेट की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, सिंगल ही होगी ना। ठीक है, वो ग्रुप से मैटर नहीं करता, तो वो तो ग्रुप एक ही ग्रुप, सिंगल स्टेट तो एक ही ग्रुप में होगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि नेक्स्ट स्टेट ए है, कितने डिफरेंट ग्रुप को तो नहीं बिलोंग कर रही, ए तो एक ही ग्रुप में होगा ना। जो सिंगल स्टेट बचती है ना उनको मत लिखो क्योंकि उनका तो हमें देखना ही नहीं है, अलग अलग ग्रुप है कि सेम ग्रुप है, वो तो अलग ही होगी। अब जो ये एफ है, अगर ये अलग हो गया है और इसमें एक ही ग्रुप में, एक ग्रुप में एक ही स्टेट अगर आ रही है तो इसको तो आपको ऐसी चीज लिखना ही है हर जगह, इसका कोई ये मैटर नहीं करता। अब क्लियर है? Yes, ठीक है, तो अब आपके पास जो नया पार्टीशनिंग आएगी वो आ गई, एसी अलग हो गया, ई अलग हो गया, बीडी अलग हो गया और एफ अलग हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें सेम प्रोसेस लगाएंगे P4 के लिए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हमने देखा कि एसी, अब देखो हमने यहाँ पे ई और एफ को नहीं लिखा, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. क्योंकि ये सिंगल सिंगल स्टेट है एक ग्रुप में, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आएंगी ही आएंगी ग्रुप में। तो एसी के नीचे ईई आया, बीडी के नीचे एफएफ आया, ऐसे ही एसी के नीचे डीबी आया और बीडी के नीचे डीबी आया जो कि सेम ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इट मींस कि हमारा फर्दर पार्टीशनिंग नहीं हो रही, तो P4 जो है ये हमारी फाइनल पार्टीशनिंग है।
पी फोर जो है वो हमारी क्या है, फाइनल पार्टीशनिंग है. तो देखो यहाँ पर अब ये हमारे पास कंपेटिबल ग्रुप बन गए पी फोर के, दिख रहे हैं आपको यहाँ तक? क्लियर सब बच्चों को? यस मैम. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए और सी सिमिलर स्टेट्स हैं, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं. सी को हम ए से रिड्यूस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं, डी को हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो देखो हमारे पास करंट टेबल ये थी, अब हमने ये बनाई है ये. अब इस टेबल में देखो सी नहीं है ना, सी की रो को हमने डिलीट कर दिया और जहां जहां पे भी सी था वहां पे ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, और हमने डी को रिमूव कर दिया किससे, बी से. तो जहां पे भी डी है वहां बी लिख दो, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है. तो देखो जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें चेंज करके इस रिड्यूस टेबल में लिखी हुई हैं. तो दो स्टेट को हमने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पार्टीशनिंग टेक्निक. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. तो ये आपकी पार्टीशनिंग टेक्निक्स है. देखो अब आपके पास ये टेबल है, एक दिख रही है आपको ए बी सी डी ई एफ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं, डिफरेंट है. अब इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ है, इसके ग्रुप बनाओ पी वन पी टू पी थ्री करके मुझे बताओ फाइनल क्या आ रहा है. यहाँ पे मत देखना ये गलत है सारा, अपने आप से बनाओ सारे बच्चे, कॉपी पेन लेके बनाओ और मुझे बताओ फाइनली क्या ग्रुप बन रहे हैं. सबको दिख रही है ना टेबल, स्टेट टेबल? यस यस. ओके करो सारे बच्चे. तो तुम्हें ज्यादा छोड़ रहे हैं? घूम रहे हैं मेरे बाद? तो
मैम इसमें एक डाउट है कि जैसे हम x इक्वल्स टू जीरो स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम बढ़िया आ रही है मैम। हाँ जी हाँ जी मैम एक डाउट है कि जैसे हम x equals to 0 और x equals to 1 पे चेक करेंगे तो जैसे 0 पे अगर हम फर्स्ट उसमें देखें फर्स्ट पार्टीशन में तो BDF जो है वो नहीं डिवाइड हो रहा, लेकिन अगर हम x equals to 1 पे देखें तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। तो हम जहाँ पे वो स्प्लिट हो रहा होगा वो कंसिडर करेंगे। हाँ जहाँ पे स्प्लिट हो रहा है सिर्फ वही कंसीडर करना है आपको। एक बार आप बनाओ फिर मैं आप चेक करना है। एक बार आपको जितना समझ में आया ना उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं।
मैम उसके अकॉर्डिंग तो बन रहे हैं कि ए और सी इकट्ठे, बाकी बी एफ ई डी सारे सेपरेट हो रहे हैं। कौन कौन सा बताया ग्रुप में, ए और सी। सी? ओके ए और सी। ए और सी आपके एक ही ग्रुप में आ रहे हैं? मैम मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपका बताओ। मैम बी और एफ एक ग्रुप में है और बाकी ए सी ई डी मतलब इंडिविजुअल है अलग। इंडिविजुअल है ना? यस मैम। हाँ आपका ठीक आ रहा है, पबनी का आपका गलत है। देखो इसमें पवनीता आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो जो आपने सॉल्व किया है। मैम वो मैंने रजिस्टर में किया और अभी लैपटॉप्स हैं तो, और थोड़ा हैवी अच्छा थोड़ा कोई है, रफ साइड। बात नहीं, देखो आप एक बार चेक कर लो, इसमें क्रॉस चेक कर लो। देखो सबसे पहले आपने इसमें दो ग्रुप आपके बने होंगे ए सी ई और बी डी एफ, इनके आउटपुट सेम है, यही बने हाँ हैं ये ठीक है। ए सी ई और बी डी एफ। ठीक है, अब ए सी ई और बी डी एफ को हम एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, जब आप ए सी ई को एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगी तो ए की क्या है आउटपुट सी, सी सी की सी क्या है टू ई, ई और और ई डी की क्या है डी, यानी कि और सी ई और डी, सी ई और डी अलग अलग ग्रुप में है ना। अलग। तो सी ई और डी अगर अलग अलग ग्रुप में है तो इट मीन्स ए सी तो एक ग्रुप में हो जाएगा और ई आपका अलग हो जाएगा, है ना, यही किया है यही आपने। है। हाँ यही है। अच्छा बी डी और एफ को देखो 0 पे, बी का डी है, तो डीबीडी आ ई है जाएगा। और डी डी भी है, तो वो तो एक ही ग्रुप में है। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो देखो बी डी एफ को, एक्स इज इक्वल टू 1 पे बी डी एसईबी एफ आ है, जाएगा। एफ ईबी। ई और बी, एफ ई और बी तो अलग अलग है ना, अलग तो ये स्प्लिट अलग हो ग्रुप जाएगा में बिलोंग कर रहे बीएफ हैं। और डी में। तो इट मींस कि आपका क्या अलग हो जाएगा, आपका बी और एफ एक में डी। हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पी टू पार्टीशनिंग आएगी वो आएगी ए सी ई अलग हो जाएगा, बी एफ अलग हो जाएगा और डी अलग हो जाएगा, ये क्लियर है। यही है। ठीक ठीक है। है, देन आपको फिर से इनको चेक करना है, ए सी को एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ए सी और बी एफ को चेक करना है। ई और डी तो सिंगल सिंगल हो गए, ये तो आएंगे ही। हाँ तो ए सी को किया था तो सीई आ जाएगा। सीई आएगा, सीई देखो सीई एक ग्रुप में है, अलग 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 है। यहाँ पे मैंने गलत कर हाँ तो दिया। ए भी अलग हो जाएगा और सी भी अलग हो जाएगा। अब बी एफ को देखो, बी एफ के अंदर एक्स इज इक्वल टू 0 पे डी डी है, एक ही ग्रुप है, और 1 पे क्या है एफ और बी, एफ और बी तो एक ही ग्रुप में है, तो इट मीन्स कि ए भी अलग हो जाएगा, सी भी अलग हो जाएगा, ई भी अलग हो जाएगा और डी भी अलग हो जाएगा, बस बी एफ सेम रहेंगे, ये बनेगा आपका ए सी ई डी और बी एफ एक में। अब बी एफ एक ही ग्रुप में, इसका क्या मतलब है कि बी इज इक्वल टू एफ है, इस यहां से इस वाली स्टेट टेबल से एफ को डिलीट कर दो और जहां जहां पर भी एफ है वहां पे बी लिख दो, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, क्लियर है। तो जो न्यू रिड्यूस टेबल सर होगी वो क्या बनेगी, देखो वो ये बनेगी, एफ को रिड्यूस कर रखा है ना हमने, हाँ। और ये बट रिप्लेस तो किया नहीं, मतलब एफ को बी से। हाँ इन्होंने गलत बनाई हुई है ये, जब हमने एफ को डिलीट ही कर दिया तो कोई भी एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी आएगा, ये गलत है। ठीक ठीक है, है। कि जिस स्टेट को ही हमने रिमूव कर दिया उस स्टेट को थोड़ी रख सकते हो आप नेक्स्ट स्टेट में। अच्छा ये आपका है फाइंड आउट द कंपेटिबल पेयर्स, चलो ठीक है ये रहने दो, ये करवा चुकी हूँ मैं, ये तो आपकी सेकंड यूनिट फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो गई। देखो
देखो अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ आपके सीक्वेंस डिटेक्टर के बारे में, या उससे पहले हम करते हैं FSM। आपको FSM दिख रहा है, फाइनाइट स्टेट मशीन? यस मैम। देखो जिस भी मशीन के अंदर आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट और इनपुट पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। तो मैंने आपको टू टाइप की स्टेट मशीन्स बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको डेफिनेशन देखनी है इसकी फाइनाइट स्टेट मशीन की, तो नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ मशीन, जस्ट अ मिनट आशु कीप क्वाइट, अ टाइप ऑफ मशीन हुज पास्ट हिस्ट्री कैन अफेक्ट इट्स फ्यूचर बिहेवियर। मीन्स वही कंसेप्ट होगा कि जिसमें आपकी जो प्रीवियस आउटपुट है वो आपकी प्रेजेंट आउटपुट को अफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। लाइक दिस, लाइक सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर फाइनाइट स्टेट मशीन, राइट? तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो होती है वो आपकी टू टाइप्स की होती है। आशवी, फाइनाइट स्टेट मशीन आपकी टू टाइप्स की होती है, मोरे मशीन और मिले मशीन। ये मैं बता चुकी हूँ ना पहले आपको। Yes, तो मोरे मशीन क्या होती है और मिले मशीन क्या होती है? देखो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास स्टेट टेबल्स होती हैं, कुछ स्टेट डायग्राम्स में तो आउटपुट इनपुट अपॉन आउटपुट यहाँ लिखी होती है, लाइक दिस, दिख रहा है, दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। और कुछ स्टेट डायग्राम्स में आउटपुट जो है वो स्टेट के साथ अंदर लिखी होती है, दिख रहा है आपको? इन दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे ये बताओ, स्टेट डायग्राम्स में। फार्म बस वो नोटेशन का ही है कि वो अंदर लिखा होता है स्टेट के बिल्कुल साथ में, और वो स्टेट के बाहर, मतलब जो ट्रांजिशन जहां से हो रही है वो उसके बाहर इनपुट और आउटपुट करके लिखा होता है नीले में। यहाँ पे इनपुट अपॉन आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इनपुट है, आउटपुट अंदर है, दिख रहा है आपको? तो इट मीन्स कि यहाँ मोरे मशीन में क्या होता है, मोरे मशीन में जो आपकी आउटपुट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनपुट। बट इन मिले मशीन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट, इज दैट क्लियर? तो आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है, लाइक MCQs में आ सकता है कि ऐसा डायग्राम आपको दे रखा हो और आपसे ये पूछ रखा हो कि ये कौन सी मशीन है, मिले मशीन है या मोरे मशीन है, तो आपको आउटपुट को देख के गैस करना है कि ये क्या है, क्लियर है? अब देखो अभी आपको करना क्या है, देखो यही मैंने आपको बताया, मोरे में आउटपुट जो है डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट नॉट ऑन द इनपुट, बट इन मिले डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट। इन मोरे मशीन नंबर ऑफ स्टेट्स इज मोर, आप इससे याद कर लो, इसका नाम ही मोरे है, मोर है, मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें ज्यादा होंगी और मिले में कम होंगी, और नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें ज्यादा होती हैं उसमें आउटपुट जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट, यहां से याद कर लो वरना आप मिले को भूल जाओ, मिले इसका रिवर्स है मोरे का। आप सिर्फ मोरे मशीन याद कर लो कि मोरे मशीन के अंदर आपकी जो आउटपुट है सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है और इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होती है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये, क्योंकि अभी हम करेंगे कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेट डायग्राम ऑफ मिले टू मोरे एंड मोरे टू मिले, ये करेंगे अब हम, राइट? देखो अब मिले को हम मोरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डायग्राम है, ये कौन सी मशीन का डायग्राम है बताओ? मिले का डायग्राम है, क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट दे रखा है। अब आपको पेपर में ये बोला जाएगा कि इसको कन्वर्ट करो मोरे में, कैसे करोगे? आपके पास यहाँ पे थ्री स्टेट्स गिवन है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, ठीक है? सबसे पहले एक स्टेट जो है वो यहाँ लिख लो, क्यू नॉट लिख लिया आपने यहाँ पे। अब आप देखो क्यू नॉट जीरो इनपुट पे जीरो आउटपुट पे कहाँ जा रही है? क्यू वन पे। तो हमने क्या किया, क्यू नॉट
जीरो इनपुट पे क्यू वन में जा रही है और आउटपुट क्या है जीरो, तो हमने क्यू वन पे लिख ली जीरो. इतना क्लियर है? Yes, तो अब हमने ये वाला बॉक्स बना लिया है सर्कल, और ये वाला सर्कल बना लिया है, और ये वाली लाइन बना ली है. ठीक है. नाउ क्यू नॉट वन इनपुट पे और जीरो आउटपुट पे कहाँ जा रही है? क्यू टू. तो हमने एक और एरो बनाई वन की, वन इनपुट पे और जीरो आउटपुट पे, ये कहाँ जा रही है? क्यू टू पे. तो मतलब हमारा ये तीसरा सर्कल भी बन गया. क्यू नॉट कंप्लीट हो गया, हो गया. अब हम क्यू वन को देखेंगे. क्यू वन जीरो इनपुट और जीरो आउटपुट पे कहाँ जा रहा है? क्यू टू जा रहा है, अपने ही स्टेट पे जा रहा है ना. जीरो इनपुट अपने स्टेट में जा रहा है. तो क्यू वन जो है जीरो इन आउटपुट पे और जीरो इनपुट पे अपनी ही स्टेट में जा रहा है, तो हमने यहीं पर सर्कल बना दिया. ये क्लियर है? Yes, sir. अब Q1 जो है वन पे कहाँ जा रहा है? वन पे, वन इनपुट और वन ही आउटपुट पे कहाँ जा रहा है? Q2 में. Yes, sir. जा रहा है? Yes, sir. तो वन ही इनपुट है और वन ही आउटपुट है, ये ध्यान रखो. कहाँ जा रहा है? Q2 पे. अब इस Q1 को वन इनपुट पे और वन आउटपुट पे क्या मैं इस Q2 में भेज सकती हूँ? दूसरा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके आउटपुट पहले डिसाइड हो, क्योंकि यहाँ पर तो आउटपुट हमने जीरो लिख रखी है. Yes. और इस टाइम पे हमें आउटपुट क्या चाहिए? वन. वन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी आउटपुट मैच नहीं कर रही किसी स्टेट से, तो आपको उसका एक रेप्लिका स्टेट बनानी पड़ेगी, डुप्लीकेट स्टेट बनानी पड़ेगी, जिसको हम Q2 डैश बोलेंगे, और इसकी आउटपुट को हम क्या कर देंगे? वन. तो अब वन पे Q1 यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी वन इनपुट है और वन ही आपकी आउटपुट है. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो Q1 का हमने कंप्लीट कर लिया जीरो और वन पे. अब Q2, अब Q2 में आप बताओगे मुझे, Q2 बताओ जीरो, Q2 जीरो इनपुट पे और वन आउटपुट पे कहाँ जा रही है? Q1. 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 तो Q2 जो है जीरो इनपुट है और वन आउटपुट है, ध्यान रखो. तो कौन सा लेंगे, Q2 लेंगे कि Q2 डैश लेंगे? कहाँ जा रहे हैं? जीरो पे, Q1 पे. तो हमने Q2 डैश से Q1 पे एक एरो बना दिया, और ये आपकी जीरो इनपुट हो गई. ये क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये Q2 डैश को मैंने Q1 पे क्यों भेजा है? इस वाले Q1 पे, Q1 डैश है ये भी, क्योंकि आउटपुट वन आनी चाहिए ना, क्योंकि आउटपुट वन आनी चाहिए. ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ, Q2 जो है वन आउटपुट और जीरो आउटपुट पे कहाँ जा रहा है? अपनी ही स्टेट में. यस. तो आउटपुट क्या होनी चाहिए उस टाइम? जीरो. जीरो. तो मीन्स ये वाला कंसिडर करेंगे. Yes, तो ये वन पे अपनी ही स्टेट में जा रहा है. ठीक है. अब Q1 जो है वन आउटपुट और वन इनपुट पे कहाँ जा रहा था? Q2. Q2 पे. तो ये लाइन वो वाली बनी हुई है, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए. और जीरो बाय वन आउटपुट पे ये यहाँ जा रहा था Q1 पे. आउटपुट वन होनी चाहिए ना, तो इस पे नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या किया, Q1 की एक रेप्लिकेट स्टेट बनाई और Q2 की एक रेप्लिका हमने यहाँ बनाया Q2 डैश. तो देखो अब इस वाले अगर सर्किट को अगर आप स्टेट डायग्राम को अगर आप देखो, तो इसमें जो आउटपुट है ना, वो स्टेट्स के साथ लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? तो ये हमने मिले का मोरे कन्वर्जन कर लिया. और एज आई सेड कि मोरे के अंदर आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मिले, तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो. यहाँ पे हमारे पास ओनली थ्री स्टेट्स हैं,
और यहाँ पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेट्स हैं। क्लियर है ये? बताओ। yes, अब इसका रिवर्स मोरे टू मिले, देखो अब ये कौन सी स्टेट टेबल है, मिले टेबल है कि मोरे टेबल है, बताओ। मोरे। इसमें आउटपुट अंदर लिखी हुई है ना, मोरे मशीन है ये। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिले में, देखो इसके लिए कंसेप्ट है कि इसकी स्टेट टेबल, इसकी स्टेट टेबल बनाओ। स्टेट टेबल कैसे बनाओगे, यहाँ पे 3 स्टेट्स गिवन है, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, ठीक है। अब यहाँ पर 0 इनपुट और 1 आउटपुट, 0 इनपुट और 1 इनपुट के लिए आपने नेक्स्ट स्टेट्स लिख ली, क्यू नॉट 0 इनपुट पे कहाँ जा रहा है बताओ, इसको देख के अपने में, अपने अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट में जा रहा है क्यू नॉट पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, क्यू नॉट, और इस टाइम पे आउटपुट क्या है, जीरो, जीरो, तो मैंने आउटपुट लिख दी जीरो। क्यू नॉट 1 इनपुट पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे, और आउटपुट क्या है, जीरो, सेम ही रहेगी वो तो, बिकॉज आउटपुट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर इनपुट, जीरो इनपुट हो चाहे 1 इनपुट, आउटपुट सेम रहेगी। ऐसे ही क्यू वन बताओ 0 इनपुट पे कहाँ जा रहा है, क्यू टू, और 1 पे, क्यू वन 1 पे कहाँ जा रहा है, क्यू जीरो, क्यू नॉट पे, ठीक है, और आउटपुट क्या है इस टाइम, 1, 1। ऐसे ही हमने क्यू टू को लिख लिया 0 और 1 पे, ठीक है, ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को देख के ये वाली टेबल बनाओ, कैसे बनाएंगे, सेम ये रो तो सेम है, ये कॉलम तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू सेम है, 0 1 सेम है, बस हमने क्या किया ये वाली आउटपुट्स को ना अंदर लिख लिया, कैसे, क्यू नॉट के साथ क्या आउटपुट लिखी हुई है स्टेट डायग्राम में, 0, 0, तो मैंने क्या किया हर जगह 0 लिख लिया क्यू नॉट के साथ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये पॉइंट क्लियर है। yes, ma'am. अच्छा अब मुझे बताओ क्यू वन के साथ क्या लिखी हुई है स्टेट, 1, 1, तो मैंने यहाँ पर क्यू वन के साथ हर जगह पे 1 लिख लिया, दिख रहा है आप, और टू के जीरो, टू के साथ 0, सिंपली इसको देख के मैंने स्टेट्स आउटपुट के साथ लिख ली। अब ये जो टेबल है ये तो आपकी मिले टेबल है ना, इसको देख के तो आप बना सकते हो स्टेट डायग्राम, ये तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम अगर गिवन हो तो आप कैसे दूसरी, तो इसको देख के जब आप डायग्राम बनाओगे तो वो आपका कौन सा डायग्राम होगा, आपका डायग्राम होगा मिले का। द ओनली डिफरेंस इज कि मिले में आपको स्टेट के साथ आउटपुट लिखनी होती है, सॉरी मोरे में सॉरी, और मिले के अंदर आपको आउटपुट इनपुट के साथ लिखनी होती है बाहर, बस समझ में आया मैम। जो ये मोरे है इसके अंदर आउटपुट जब एक तरीके से कांस्टेंट ही रहती है ना, मतलब जो स्टेट के साथ चेंज होती है, स्टेट के अकॉर्डिंग है। क्यू नॉट अगर स्टेट है, जैसे यहाँ पे इनपुट जो है वो 0 लिखी, आउटपुट जो है वो 0 लिखी हुई है, तो वो 0 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनपुट के साथ साथ चेंज होती रहती है मिले के अंदर, राइट, ठीक है। तो अभी ये आपको मैं भेजूं से समझ के, और अपने जो है आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो वील डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। यस मैम। और जो स्टूडेंट्स आपकी आज लैब नहीं हुई है वो आपकी सैटरडे को कंबाइंड लैब होगी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ओके।
ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आप लोग लीव कर सकते हो।